क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। और आपने क्या शिकायत की है? एक आइडियल पब्लिक स्कूल प्राइवेट विद्यालय है जिसमें कक्षाएं 10 तक संचालित रहती हैं। मुझे जानकारी मिली थी किसी व्यक्ति द्वारा कि वहाँ पे कुछ बच्चों को फीस के लिए कक्षा से बाहर किया गया है। मैं मौके पे पहुंचा तो देखा 5-6 बच्चे वहाँ पे क्लास से बाहर बैठे रो रहे थे बेचारे। तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा ने फीस जमा नहीं की, इसलिए हमको कक्षे से क्लास से बाहर कर दिया गया है। स्कूल की एक शिकायत हुई है जिसमें मान्यता और फीस को लेकर कुछ बात की गई जी, क्या है मामला और इसमें आपका क्या पक्ष है? देखिए, मेरा जो विद्यालय चला है 5वीं तक है और मैंने जो मान्यता के जो पेपर्स हैं 8वीं तक डाल रखे हैं शिक्षा विभाग में। और जिन बच्चों ने जो शिकायत मेरे खिलाफ़ जो हुई थी वो सिर्फ इतना था कि जिस विद्यालय से मेरा अटैचमेंट है उनके यहाँ कुछ तबीयत खराब थी, किसी की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने कहा था सर 2 क्लास के आप एग्जाम अपने स्कूल में करा लें, बस इतना था। अच्छा जी। और ये जो बच्चों की फीस का जो मामला था जिसपे हुआ है वो क्या था? देखिए सर, अगर आप विद्यालय चला रहे हैं, हम गाड़ी का खर्चा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, लेकिन ऐसा कोई हमको फिजिकली वो नहीं देते पनिशमेंट वगैरह, और वो सब जो था वो सब हाथ पूछ कर बैठा लिया बच्चों को, कुछ नहीं था। मामला आपके संज्ञान में आया होगा जिसमें वो बच्चों से फीस वीस लेने का मामला था, सर इनको बाहर कर दिया था, क्या था मामला सर, इसके बारे में जानकारी? शिकायत एक प्रार्थना पत्र मिला था जिसमें आइडियल पब्लिक स्कूल के बच्चों के संदर्भ में था कि फीस ना देने के कारण उनको बाहर कर दिया गया था। इसकी जांच के लिए मैंने जो है संबंधित विभाग हमारे हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको हमने जांच के लिए भेजा हुआ है, तो जांच जैसे ही कंप्लीट होगी अगर इसमें जो भी सत्यता पाई जाती है तो उसी हिसाब से इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, मान्यता का भी क्या कुछ मामला आया था कि मान्यता उनकी 5th तक थी और हाई स्कूल तक की क्लासेस चला रहा? प्रार्थना पत्र में ये बात लिखी हुई थी, उसी की एक बार जाँच कराई जा रही है। जाँच कराने के बाद में अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है और अगर मान्यता नहीं होगी उसकी तो उसके ऊपर भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।